अब अरबुती जी स्ट्रिप डाउन, स्ट्रिप डाउन, स्ट्रिप डाउन, स्ट्रिप डाउन। I won't strip, भाभी जी। ये स्ट्रिप डाउन में और काम डाउन में काफी फर्क है। आप क्या बोले? आप काम डाउन करने जा रही हैं, काम डाउन। ऐसे ही पकड़े हैं। तो जाइए। आपको ना तो हमेशा खिल्ली उड़ाने की आदत है। जरा जगह तो देख लिया कीजिए। अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग टेंशन मत लीजिए। जी इन्हें बेइज्जत होने की आदत है, कोई नहीं। तिवारी जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे भाभी जी हम तो थोड़ा एक मिनट, मैं जरा उनसे माफी मांग के आता हूँ। भाभी जी अन्नु भी ना अपने मेहमानों के सामने जानबूझकर मेरी बेइज्जती करती है। शी लाइक्स टू पुट मी डाउन इन फ्रंट ऑफ देम। साहब ये औरतें होती है ऐसी। माफ कीजिएगा बहन जी, अब देखिए मेरी बीवी है ना, वो अकेले में मेरी बेइज्जती कभी नहीं करती, लेकिन चार लोगों के सामने मुझे हमेशा बेइज्जत करती है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लगता है आप भी बीवी के सताए हुए हैं। क्या बताएं साहब, हम तो इतने सताए हुए हैं कि अब तो औरत जात के नाम से ही डर लगता है। माफ कीजिएगा बहन जी। दीदी आप हमसे बार बार माफी काहे मांग रहे हैं? पर क्योंकि आप भी एक औरत है ना, इसलिए। ठीक बा, माफ किए। आप एक काम कीजिए, आप चल के बैठिए, मैं खाना लगाता हूँ। भाई साहब आप भी एक मर्द हैं, मैं भी एक मर्द हूँ, और मर्द ही मर्द का दर्द समझ सकता है। अनजाने में मैं आपकी गलती में हंस पड़ा, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैं मर्द होके मर्द का मजाक उड़ा रहा हूँ। सो सॉरी। लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता? मर्द को दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। नो नो नो, इट्स नॉट ओके। मैं आपको एक पान खिलाकर आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। यह खास किस्म का पान है, इसको खाकर आपको मुझे माफी देनी ही पड़ेगी। ऐसी क्या खासियत है इस पान में? अजी साहब ये पान एक बार जो खा लेना फिर वो इसका आदी हो जाता है। और पान है आपके पास? हाँ है ना, दर्जन भर है। तो ये पान कहाँ से लाए आप? वो एक पान भंडार है ना रुसाड़िया, वो दो लौंडे हैं, वो क्या टीका टिल्लू। हाँ, हाँ, उन्होंने वो दुकान खोली है। अभी आप भी खाइए पान। नहीं नहीं हम नहीं खाएंगे, अभी तो खाना खाना है ना। जॉनी जॉनी। यस पापा। ईटिंग शुगर? नो पापा। टेलिंग लाइज? नो पापा। ओपन योर माउथ। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू कह रही हैं। आइए हम लोग डाइनिंग टेबल पे बैठते, तब तक हाँ खाना लगेगा। कम आप कह रही हैं हम खाना नहीं खाते हैं। आइए मिसेस खन्ना प्लीज से। काफी टाइम लगा दिया आपने मिस्टर खन्ना। वैसे तो इनको टाइम पास करने के मौके चाहिए। आपको इतनी देर कैसे लगी? क्या पाँव चाट रहे थे उनके आप? नहीं नहीं, उनकी इज्जत के दामन पे इंसल्ट का खोटा लगा था, उस पर रफू कर रहा था। कोई बात नहीं, फिर कोई और उधेड़ देगा। मतलब आपका मतलब है कि उनकी इज्जत का दामन इतना कमजोर है कि कोई भी आके खोटा लगा जाए? नहीं नहीं, बस यूं समझ लीजिएगा कि बेइज्जत होने के लिए उधार घूमते हैं। माफ कीजिएगा साहब जी, लग तो आप भी बड़े जलील इंसान रहे। नहीं डाउनलोड कीजिए Z5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।